से भी है बेचारे मट्टी के, तो इनको मैंने अभी बाहर निकाला है कि ये बना दिए है मट्टी में ना। तो जी आज अभी सुबह सुबह मैं इधर ऊपर आ गया हूँ और यहाँ पे ये लोग सारे ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। ये लोग हुए हुए हैं जी भूखे काफ़ी सारे, इनको अभी निकालते हैं बाहर धूप में। आज बहुत अच्छी धूप है बाहर और वो बटेरे भी जो हैं वो काफ़ी बेताब हैं बाहर जाने के लिए, उनको भी सबसे पहले बाहर निकाल लेते हैं। आज जी एक और बच्चा जो है वो बाहर आ गया है, वाइट वाला माशाल्लाह, ये आप देखते हैं ये इसके बच्चे हैं इस तरीके, और ये अभी दो बाहर आ गए हैं, बाकी दो तीन जो है वो अंदर ही हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये यहाँ पे सेल्फ होंगे और दोनों खेल रहे हैं आपस में। देखें अभी बाहर गया है और यहाँ पे ये एक अंडा पड़ा हुआ है, पुराना है शायद, और दो बच्चे हैं माशाल्लाह फैलो में, बहुत प्यारे बच्चे हैं। सबसे पहले इनको मैं बाहर निकाल लेता हूँ और भाई यहाँ पे निकाल के धूप में रखना है यहाँ पे, और उसके बाद बारी है बटेरों की, और आज इनकी यहाँ पे सफाई भी करनी है, काफ़ी ज़्यादा गंद बना हुआ है ये देखें आप, और इनको निकाल के इनको बल्कि आज थोड़ी देर मिट्टी में छोड़ते हैं और मिट्टी में ये सही इंजॉय करेंगे। हवा थोड़ी तेज़ है लेकिन ये है कि काफ़ी देर हो गई इनको बाहर नहीं निकाला, तो ये आज निकलेंगे तो काफ़ी खुश होंगे। चलो आ जाओ बाहर, चलो ये लोग भी बाहर आएंगे, काफ़ी सुस्त सुस्त हुए हुए हैं, एक इनका दोस्त चला गया और आ जा, एक इनका दोस्त चला गया है और बस बाकी ये दो रह गए हैं, इंशाल्लाह और भी लेके आनी है इंशाल्लाह। कल आपने देखा होगा कि यहाँ पे इस तीतरी ने जो है वो अंडा दिया था लेकिन वो उसने तोड़ दिया था, पता नहीं किसने तोड़ा था, तो आज हमने इनकी जगह बनानी है प्रॉपर, कुछ ऐसा सेटअप बनाना है जिसमें बैठ के तीतरी अंडा दे। अभी तक इसने दिया तो नहीं है, तो ये इसके लिए बेहतर है कि हम इसके लिए वो जगह बनाएं और वहाँ पर ये बैठ के अंडा दें ताकि ये अपने अंडों को सेव कर सके और फिर ब्रीडिंग करें। तो अभी इनके लिए इनको दाना दाना, और पहले मैं दाना लेके आऊँगा, ये दाना ख़त्म हुआ हुआ है, दाना लेके आऊँगा इनको डालूंगा, तो उसके बाद इसकी जगह बनाएंगे अच्छी सी इंशाल्लाह। ये जी आज की तोतों की जो है वो खुराक बन के आ गई है, इसमें उबला हुआ अंडा है, मैश हुआ हुआ और चुकंदर है, ठीक है, और ये बड़े शौक से खाते हैं, इनकी हेल्थ के लिए ये बहुत बेस्ट डाइट है, और ये लोग लेंगे। जो बच्चों वाले हैं वो भी इसको बड़े शौक से खिलाते हैं और बच्चों को भी फीड करवाते हैं। हमारा पुराना पिंजरा है, इसमें सारा तोतों का वगैरह का और घर का कुछ सामान पड़ा हुआ है, बहुत मैंने शौक से बनवाया था, इसमें बहुत ज़्यादा ना बजरी सारे तोते थे ना, कलोनी थी, तो अब इसमें यहाँ पे सिर्फ सामान पड़ा हुआ है, इसको वैसे स्टोर रूम बन के तोतों का, इसमें बॉक्स पड़ा हुआ है उसको निकालते हैं, उसमें ना तीतरों की जगह बनानी है अंडों के लिए। जी मैंने अभी निकाला है बॉक्स का, ये जो द्राज टाइप होता है ना वो निकाला है, उसके अंदर ये इसको पिंजरे के अंदर रखेंगे किसी तरह, और इसमें बैठ के इसमें भी घास भी डालना है कुछ, इसके अंदर बैठ के ना तितली जो है वो अंडा देगी इंशाल्लाह, वो छिक्का क्योंकि कल उसने अंडा दिया था उसने तोड़ दिया था। चलिए इसमें पहले बड़ा प्लान था कि हम ना थोड़ा सा घास डालेंगे, लेकिन ये है कि तीतर जो है वो ब्रीड करते हैं मिट्टी के ऊपर, तो पहले थोड़ी सी मिट्टी डाल के ना नीचे नीचे इसके बॉक्स के अंदर, फिर हम ऊपर थोड़ा सा घास रख देंगे ना, तो इससे ये होगा कि तीतर जो है वो खुश भी रहेंगे इसमें और इसमें अच्छी ब्रीड भी करेंगे, और इससे ये होगा कि ये इनकी मतलब इसमें अच्छी ब्रीडिंग हो जाएगी ना। तो अभी मिट्टी थोड़ी सी मैं इसमें थोड़ी सी नरम करके ना इसमें डाल लूँगा, ताकि ये है कि उसने फिर अच्छे इंशाल्लाह अंडा देना है, उसने क्योंकि कल भी दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो आज भी अंडा देगी, तो उससे ये होगा कि इसमें अच्छी ब्रीडिंग करेगी। ये मैंने ले लिया जी थोड़ा सा घास, और इस घास को ना इसके अंदर ना सही सेट करके रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। वो लोग सही मिट्टी में इंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ा सा डरा हुआ है, और मैंने इनका ये बना दिया है मिट्टी में ना, मिट्टी नीचे डाल के और थोड़ा सा ये घास सा रख के इंशाल्लाह आप इसमें ना अच्छी ब्रीड करेगा। अब इसको रखते हैं पिंजरे के अंदर, ज़्यादा इस साइड पर होती है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम इसको भी ज़्यादा इस साइड पर ही रखें। इस साइड पर जो कार्पेट है उसको भी थोड़ा पहले सेट कर लूँगा, ताकि जो मिट्टी वगैरह जो नीचे गिराए उसका कोई नुकसान ना हो, नीचे नीचे ना गिरे, तो अल्लाह करे ये अंदर चला जाए, मुश्किल नज़र आ रहा है, उम्मीद है कि ये चला जाएगा। ये जो है ना वो तीतरी उस साइड पे आ गई है, बीच में रास्ता खुला हुआ था, मैंने वो सामने रख दिया है उसको, और इंशाल्लाह जो है वो अच्छा हो जाएगा इनके लिए भी, वो बैठेगी ऊपर आकर चेक करेगी, उसके लिए ज़रूरी है मुझे जो लग रहा है ना कि इसके ऊपर ना जो है ना वो दुपट्टा देके ना उसको उस साइड को ढांपा जाए, तो ये जब मैं ढांप दूंगा ना तो इसके लिए ना बहुत बेहतर हो जाएगा, उसके लिए पर्दा भी हो जाएगा, प्राइवेसी भी हो जाएगी, तो वो अच्छे से बैठ के वो ब्रीड कर सकेगी। मैंने यहाँ पर ना इनको ना मतलब थोड़ा सा पर्दा बना दिया इनके लिए ना, और ये लोग अभी दोनों अंदर जाके ना मिट्टी में ना खेल रहे हैं, और देखें दोनों एक जगह बैठे हुए हैं और मिट्टी में,
सारी मट्टी नीचे गिरा रही है। मुझे पता था मस्ती करेंगे, लेकिन ये कि चलें ठीक हो जाएगा। अभी जी उनको बंद किया है और तीतर को अंदर बहुत ज़्यादा मट्टी में खेले थे, तो फिर मैंने इनको बोला कि मैंने क्या बहुत तरसे हुए हैं बेचारे मट्टी के, तो इनको मैंने अभी बाहर निकाला है और ये यहाँ पर बाहर आ रहे हैं। इसको मैंने खुला छोड़ा हुआ है, तीतरी है उसका मैंने पाँव यहाँ से रस्सी से बंद दिया है ताकि वो अगर वो यहीं पर होगी तो फिर ये कहीं जाएगा नहीं। जो दोनों मट्टी में खेल के अच्छी तरह, वो तीतरी नीचे बैठी हुई है और तीतर ये है, तो वो अभी इसको भी साथ बुला के बाहर दोनों अच्छी तरह खेलेंगे और सही इंजॉय करेंगे। तो अच्छा है इनके लिए भी ताकि अंदर बॉक्स ना खराब करें अपना। अभी जी लास्ट काम रह गया बस इनकी सफाई, काफ़ी दिनों से नहीं हुई भी, सफाई कर लेते हैं ताकि इनके लिए अच्छा एनवायरनमेंट रहे। काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ था यहाँ पे। ओ गंदा, अब इनको काफ़ी तेज़ हवा चल रही है तो अभी इनको पकड़ के, अभी मेहार में ना ये रज गए हैं बिल्कुल ना, अभी इनको पकड़ के बंद करते हैं। वो मेल जो है वो तो खुला हुआ है, इसके पाँव में रस्सी बंधी हुई है ना, तो अल्लाह करे अभी भागे ना बस। अभी ये लोग भी बंद हो गए हैं और इनको भी मैंने बंद कर दिया है और अभी शाम को थोड़ी देर बाद मैं आऊँगा ऊपर, इनको दाना दबा डालूंगा, इसका चेक करूँगा कि अंडा इसने दिया कि नहीं दिया और इनको भी दाना डालना है। तो अभी तक के लिए इतना ही। अभी मैं आया हूँ, शाम का वक्त है ऊपर और दोबारा इनको एक बार दोबारा खोलते हैं और बाहर निकाल के इनको डालते हैं दाना, और दाना ये लोग खाएँगे यहाँ पर तो खुश रहेंगे। तो इनको यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा डाल देता हूँ बाजरा, इनके अंदर बर्तन में भी डाल देते हैं। अच्छा जी, मैंने अभी दोबारा चेक किया है तो अभी तक इसने आज अंडा नहीं दिया, तो मेरे ख्याल में सिर्फ जो है ना वो इसने कल दिया था, शायद स्टार्टिंग के डेज़ हैं तो शायद एक दिन छोड़ के ना अंडा दे, तो कोई बात नहीं कल इंशाल्लाह दे देगी। अभी मैं डाल देता हूँ बाजरा क्योंकि कंगनी शौक़ से नहीं खाते, ना तो इनके लिए मुश्किल हो जाती है। अगर ठंडी मिट्टी में खेल रहे हैं तो ठंडी मिट्टी में खेलेंगे तो ये बीमार हो जाएंगे, तो इनको पकड़ना है बड़ी चलाकी से, इनको बंद करना है। और ये मैंने पकड़ लिया है पहला, ये पकड़ लिया मैंने दूसरा चलाक तोता, चल अंदर बातें करते रहता तू हैं, तो ठंड में ही हो जाएगा बीमार। अगर बीमार हो गया तो फिर मर जाएगा, क्योंकि वो पहले वाला भी थोड़ा सा बीमार हुआ था और मर गया था। इनको भी अभी अंदर रखते हैं और अंदर ये आ गए हैं जी अपनी जगह पे, और ये अपनी जगह पे सही इंजॉय करेंगे। इस जगह पे हम लोग जो है ना तीतरों का घर बनाने का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह वो जल्द आपको बताएंगे, और सागर को भी हम जो है ना वो कंज्यूम करेंगे किस तरह। तो ये वीडियो आज यहीं तक थी, उम्मीद है सबको अच्छी लगी होगी, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार है, अल्लाह हाफिज़।